नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन डेयरी फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए डेयरी फार्मिंग से जुड़े अलग अलग विषय लेके आते हैं। आज का विषय है सीजनल फोडर जवार। डेयरी फार्मिंग में चारे का बहुत ही बड़ा महत्व है। उसमें भी हरा चारा और सूखा चारा दोनों चारे डेयरी फार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक सीजनल चारा जवार के बारे में बात करेंगे। जवार यह खरीफ या रबी दोनों सीजन में लगाया जाता है किसानों द्वारा, और ज़्यादातर किसान इसका सूखा चारे का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना जरूरी है कि इसका हम हरा चारा बोल के भी यूज़ कर सकते हैं। जवार जब हम लगाते हैं तो वह फ्लावरिंग कंडीशन में, यानी जब उसे फूल आते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम उसे काट के जानवरों को खिलाते हैं, दुधारू जानवरों को, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। फ्लावरिंग कंडीशन में ये चारा कट करके हरा चारा खिलाने से जानवरों को तकरीबन 8 से 9% क्रूड प्रोटीन इस चारे से मिलते हैं। बहुत सारे किसान भाई जवार लगाने के बाद उससे ग्रेन निकाल के लेते हैं। जवार निकालने के बाद सूखा चारा जो कड़बी के रूप में बचता है, वह ज़्यादातर दुधारू जानवरों को खिलाया जाता है। तो यह दोनों तरह से हम दे सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ध्यान रखने की है कि हरा चारा जवार का जो है वह बहुत ही दुधारू जानवरों को पसंद आता है। इसकी टेस्ट भी अच्छे उनके लिए रहती है। तो जिन किसान भाइयों को हरा जवार का चारा खिला सकते हैं, उन किसान भाइयों ने हरा भी देना चाहिए। और जो किसान भाई इसका सूखा कड़बी बना के देते हैं, वह देते समय हमें ध्यान रखना है कि हरा और सूखा चारा दोनों चाफिंग करके देना जरूरी है। और उसकी मात्रा जो है, हरा चारा 60 से 70% और सूखा चारा 40-30 से 40% हमारे दूध।